आज हम एनसीईआरटी मैथ्स का प्लस टू क्लास का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। इसके अंदर 5.1 एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी पे डिपेंड है सारा। उसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है किसी भी फंक्शन की कि गिवन पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है, या फिर आपको एक फंक्शन दिया होगा वो आपको चेक करना कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है, किसी चीज़ का कंटिन्यूस चलना मीन्स अगर वो एक पाथ पे चलता जा रहा है, कोई कोई भी चीज़ या कोई भी फंक्शन कुछ भी, तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन अगर कहीं भी जाकर वो किसी पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपना रास्ता छोड़ देता है, किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है, तो वो उस पॉइंट पे जाके डिसकंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन मैथ में इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे हमारे पास मैथ में फंक्शंस होते हैं, कोई भी हमारा फंक्शन है, जैसे एफ ओफ एक्स हमारा फंक्शन है, एक्स स्केयर मीन्स एक्स की वैल्यू जो होगी एफ एक्स उसका स्केयर होगा। अगर हम इसकी वैल्यूज लेते हैं एक्स और एफ एक्स की वैल्यू, अगर हम जीरो लेते हैं एक्स की वैल्यू तो हमारा एफ ओफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें जीरो, क्योंकि इसका स्केयर है। अगर हम वन लेते हैं तो एक्स स्केयर की वैल्यू हमारी वन हो जाएगी, एफ एक्स हमारा वन हो गया। अगर टू लेते हैं तो एक्स स्केयर फोर हो जाएगा। और माइनस की तरफ चले, अगर हम माइनस वन के लिए एक्स स्केयर प्लस वन ही होगा, और अगर हम माइनस टू लेते हैं एक्स की वैल्यू तो भी एफ एक्स की वैल्यू प्लस फोर आएगी। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये एक्स है और ये हमारा एक्स डैश है, माइनस नेगेटिव वैल्यूज हम इधर लेते हैं और पॉजिटिव एक्स की तरफ, और ऊपर हमारा वाई, वाई मीन्स इसमें ये एफ एक्स है और ये हमारा वाई डैश, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू नेगेटिव होंगी वो नीचे आएंगी और पॉजिटिव वाली ऊपर। तो देखिए, पहला हमारा वैल्यू है, जो पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो है और एफ एक्स की जीरो है, तो जीरो जीरो हमारा यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। सेकेंड हमारी वैल्यू है वन, उसके लिए एफ एक्स हमारा वन है, तो वन यहाँ पे एक्स और एफ एक्स वन पॉइंट ऊपर जाए, ये हो गया हमारा पॉइंट। और टू के लिए फोर है, टू पॉइंट यहाँ और फोर यहाँ आ जाता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इस क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकेंड हम अगर माइनस में जाते हैं, एक्स अगर माइनस वन है तो वाई की वैल्यू प्लस वन ही है, एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू है तो वाई की वैल्यू फोर आती है। यहाँ आपका ग्राफ ऐसा हो गया, ये देखिए, मतलब ये इस टाइप का हो गया हमारा। तो इसमें देखिए, आप एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू कुछ भी, वो इसी लाइन पे इस साइड बढ़ता जाएगा और ये इस साइड बढ़ता जाएगा प्लस वाला, मतलब थ्री के लिए नाइन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, कहीं भी जाके अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे, ये ऐसे चलता जाएगा ऐसे। तो अब देखिए, ये फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ, अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा तो ये कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं? देखिए, कुछ फंक्शन कंप्लेक्स होते हैं, जैसे हमारा फंक्शन अगर ऐसा दिया हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब अगर एक्स जीरो या जीरो से कम है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू टू एक्स होगी, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू हमें वन लेनी है कॉन्स्टेंट। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? हमने एक्स लिया और ये एफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू देखिए जीरो होती है, हमने जीरो पुट की तो ये फंक्शन यूज होगा, टू इंटू जीरो जीरो हो गया। अगर एक्स की वैल्यू वन है, इसमें हम माइनस वन लेंगे, एक्स से लेस देन हम लेके चलते हैं पहले, माइनस वन के लिए यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू हो गया। अगर माइनस टू लेते हैं एक्स को तो ये माइनस फोर हो जाएगा। हम इधर आते हैं, अब अगर एक्स की वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी है, वन है जैसे, तो हमारा एफ एक्स वन है। अगर एक्स की वैल्यू टू है तो भी यही फंक्शन चलेगा, इसके लिए भी वन है, और एक्स अगर थ्री है तो इसके लिए भी वन है, मीन्स ये जीरो से ऊपर के लिए
कांस्टेंट चलता जा रहा है 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ये हमारी वैल्यूज होगी 1, 2, 3 एंड 4 और ये नेगेटिव में, अगर एक्स 0 है तो वाई 0 है, यहाँ आ गया, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, वाई एंड ये वाई डैश, एक्स 0 है तो वाई 0 है, ये पॉइंट आ गया हमारा। एक्स की वैल्यू अगर -1 होती है तो वाई -2 है, एक्स -1 यहाँ है और वाई -2 यहाँ आ जाएगा, एक्स अगर -2 है तो वाई -4 है, एक्स -2 एंड वाई -4 यहाँ आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखिए थोड़ी सी नीचे। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ तक, बट अगर हम यहाँ चलते हैं पॉजिटिव में, एक्स 1 है फॉर वाई 1, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। एक्स अगर 2 है तो भी वाई 1 है, एक्स 3 है तो भी वाई 1 है, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन चली हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए हमारी वैल्यू कभी भी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ नहीं आएगी, ताकि इससे कटी हुई है ये, एक्स 0 था हमारा 0 आ गया, लेकिन 0 से बिल्कुल नेग्लेक्जिबल भी अगर ये बढ़ जाता है एक्स की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू सीधा यहाँ पहुँच जाती है 1 पे, मीन्स उसके लिए वाई 1 है, यहाँ से ही स्टार्ट होगी हमारी इस लाइन में। तो हमारा ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसका पाथ जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बीच में से यहाँ से टूट रहा है, कहाँ पे जाके 0 पे, 0 पे जाके यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आइए इसमें एक्सरसाइज हम करते हैं। इसके जो हमें इसके 5.1 के एक्सरसाइज के सम सोल्व करने हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या है। जैसे हमारा हमने फंक्शन लिया था पीछे एक्स स्केयर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर हमने लिया था, उसमें हमारा क्या था कि अगर हमारी एक्स की वैल्यू कुछ भी होती है, कोई भी रियल नंबर, मान लीजिए 2 है, हमने इसकी कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी है कि x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, f ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा 2 स्केयर यानी 4। अगर ये वैल्यू 2 से बिल्कुल थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती है, मतलब हम इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, कि 2 से जरा सी हल्की सी ऊपर की फंक्शन की वैल्यू पे फर्क ना पड़े, जिससे 2.00 समथिंग भी लगा लीजिए, 2.0001 भी मान सकते हैं, तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, पहले हमारी एक्स की वैल्यू 2 थी तो राइट हैंड में थोड़ी सी फालतू हो जाएगी, हम 2 प्लस लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, फंक्शन यही यूज होगा हमारा सभी वैल्यूज के लिए, तो ये हमारा इसको हम 2 का स्केयर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से वैल्यू इतनी सी हल्की सी ऊपर है कि हमारे इसके स्केयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स अगर वैल्यू एक्स की 2 से जरा सी कम होती है, उसको हम 2 माइनस लिखते हैं, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसके लिए भी फंक्शन यही यूज होगा, तो इसकी भी वैल्यू 2 स्केयर इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। अब देखिए इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स तीनों इक्वल हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये तीनों इक्वल हों तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे,
जिस पॉइंट पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की है, x इज इक्वल टू 2 पे है जैसे ये। तो चलिए हम इसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सम हम लेते हैं। देखिए हमारा ये सम है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। हमारा ये फंक्शन हो गया 5x-3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। मतलब तीन पॉइंट हमें दिए हैं, 0, -3 और 5। इन पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इनमें से किस पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे। तो हम फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। ये फंक्शन हो गया हमारा, हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू -3 पे एंड 5 पे। तो सबसे पहले हम अपना एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 0। इसको हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 5 × 0 -3, मीन्स 5 × 0 0 एंड -3 होगा, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड हम माइनस में लेते हैं एफ ऑफ एक्स। अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो फंक्शन हमारा यही है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ अलग है, इक्वल के लिए कुछ अलग है या लेस देन के लिए अलग है, हमें एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारा फंक्शन यही चलेगा 5x-3। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम आई, -3। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं इसको हम एफ ऑफ एक्स, इसको हम फंक्शन हमारा इसमें भी यही यूज होना है क्योंकि सेम है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो भी हमारी वैल्यू -3 आई। तो देखिए तीनों केस में हमारी एफ ऑफ एक्स में, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू सेम आ रही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब भी तीनों इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट जिस भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड हम लेते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, एक्स इज इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक्स इज इक्वल टू -3 पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया है, एफ ऑफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमने -3 रखा तो एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट करी 5 × -3 -3, -15 - 3 इज इक्वल टू -18 आ गई हमारी वैल्यू। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं, मींस एक्स की वैल्यू हमने अब लेनी है इसके अंदर 5 से कम, सॉरी हमारी -3 है एक्स की वैल्यू, -3 से कम, इसको हम लिख सकते हैं -3 - इसके लिए हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स की वैल्यू -3 से जरा सी कम होगी तो लिमिट एफ एक्स ये हो गई हमारी इसके अंदर। फंक्शन इसमें देखिए यही यूज होगा हमारा, इसमें हम लिखेंगे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 - फंक्शन हमारा 5x-3 है, इसकी वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू हमारी सेम आई -18। अब हम राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट में हम
एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री प्लस लिखेंगे, उसके लिए भी फंक्शन हमारा 5x माइनस थ्री ही है, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस 18 आएगी। तो देखिए हमारे इसमें एफ एक्स की वैल्यू माइनस 18 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस 18 है और राइट हैंड लिमिट की भी माइनस 18 है, तीनों हमारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। तो जब भी तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं क्या होता है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। तो हम इसमें अब लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। थर्ड हमारा जो एक्स की वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू फाइव पे हमें चेक करनी है, इसमें एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अगर फाइव पुट करते हैं, एफ ऑफ फाइव यानी फाइव एक्स माइनस थ्री था तो फाइव हमने पुट किया, फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री 25 माइनस थ्री इज इक्वल टू 22। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इसमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही रहेगी, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस और 5x माइनस 3। जब वैल्यू पुट करेंगे हम 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 5 25 माइनस 3 22 वैल्यू आ गई हमारी। और राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, 5 प्लस के लिए भी हमारा फंक्शन यही है 5x माइनस 3, तो वैल्यू रखने पे वही आएगा हमारा 25 माइनस 3 22। तो तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स भी 22 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22 और राइट हैंड लिमिट भी 22, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो हमारे जो तीन पॉइंट्स दिए थे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 5, तीनों पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हुआ है। तो चलिए अब सेकेंड सम पे आते हैं, हमारा सेकेंड सम क्या है हम देख लेते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 1, हमारा फंक्शन क्या है 2x स्केयर माइनस 1, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 3 पे, कि जब x इज इक्वल टू 3 हो तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमने चेक करना है। अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले जो हम करते होते हैं एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हमारा आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमारी वैल्यू बनेगी 2 इंटू 9 माइनस 1, 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 1 हमारी 17 होगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम आएंगे x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा यही है
कि तीन के लिए भी वही है, तीन से ज़्यादा के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए यही है। तो थ्री माइनस में भी हम एफ ओ एक्स हमारा 2x² - 1 रहेगा, 2 3 का स्केयर - 1, 17 आ गई हमारी वैल्यू। राइट हैंड लिमिट में 3+ होता है। एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 3+ 2x² - 1, सेम वैल्यू हमारी 17 आ गई।